मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि एक आदमी जंगल से चल रहा है, उसके साथ एक डेड बॉडी है, इसे वो लेकर जा रहा होता है। इसके बाद जिन हो जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये हम देखते हैं। जिन हो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। एक वाइफ चीट कर रही थी तो जिन हो ने उस हस्बैंड को वो जहाँ चीट कर रही थी वहां पर लाकर छोड़ा था। जब चीटिंग करते हुए वाइफ को उसने पकड़ लिया तो इसकी फोटो जिन हो ने ले ली। ये फोटो जाकर जिन हो अब न्यूज़पेपर वाले को देकर आता है। न्यूज़पेपर वाले अफेयर्स की स्टोरीज के लिए इसे पैसे देते हैं। ये यही काम करता है। जिन हो का एक ड्रीम होता है कि वह अमेरिका जा सके, इसीलिए पैसे सेव करने के लिए ये सब वो काम करता है। न्यूज़पेपर एडिटर इसे पैसे देता है और पूछता है कि तुम क्यों वहां जाना चाहते हो, कि वहां मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। ये जोक कर देता है कि वहां बहुत सारी वाइफ्स चीट करती होंगी। अब जिन हो सिटी में आता है। इसे एक्चुअल में डिटेक्टिव वर्क भी करना होता है, इसलिए अपने पैम्पलेट सिटी में लगा देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर एक बड़े डॉक्टर होते हैं जो जापानीज होते हैं। इनके हाथ के नीचे हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम जैंग होता है ये काम करता है। इस ऑपरेशन में जैंग थोड़ा भी डरा नहीं था और सही से उसने डॉक्टर को हेल्प की थी। तो जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो डॉक्टर जैंग से कहते हैं कि तुम्हें और भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैंग जनरली एनिमल्स पर प्रैक्टिस करता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें ह्यूमंस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। डॉक्टर ने अभी अभी ऑपरेशन किया है पर इसके बदले में उसे एक भेज दी गई है। ये जो हमारी स्टोरी का टाइम पीरियड है ये 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग का पीरियड है। इसी वजह से यहाँ हमें दिखता है कि डॉक्टर को एज अ पेमेंट वो भेज दे देते हैं। डॉक्टर इसमें फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि जापान में लोग ऐसा नहीं करते थे। इसके बाद हमें एक क्राइम सीन दिखता है जहाँ बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर यंग नाम के पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है। यंग ये क्राइम सीन देखता है तो वहाँ बहुत सारा ब्लड होता है। जल्दी से उसके नीचे काम करने वालों को ये पहुँचने के लिए बोलता है। ये कहता है कि ये मास्टर के सन का रूम था, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मास्टर आकर ये देखता है और इसे बहुत ही सदमा लगता है। मास्टर का बेटा ही गायब हो गया है तो बहुत ही चिढ़ गया होता है। वो जल्दी से जल्दी यंग को ढूंढने के लिए बोलता है। यंग भी कहता है कि अगर आपका बेटा नहीं होता तो मुझे जॉब कभी भी नहीं लगती। ये मास्टर कहते हैं कि अगर तुमने सही से मेरे बेटे को ढूंढ दिया तो तुम्हारा नाम हम हिस्ट्री में अमर कर देंगे। अब नेक्स्ट सीन में यंग सस्पेक्ट्स की लिस्ट निकालता है। वो अपने कलीग के साथ ये लिस्ट देखता है और उनके नाम से ही लॉजिक बनाने की कोशिश करता है। एक के नाम में टाइगर होता है तो इसने ही ये काम किया होगा, इसलिए उसको ही वो सस्पेक्ट बना देते हैं। मास्टर को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। अपने फ्रेंड से कहता है कि अभी अभी तो मेरा बेटा पढ़कर आया था, उसका कौन एनिमी हो सकता है, दिन वो पूरे एम्पायर को रूल कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैंग मौजूद है, साफ सफाई का काम वो यहाँ करता है और काम करते करते ही वो मास्टर के सन की फोटो देखता है। इसे शॉक लगता है और वो बहुत ही डर जाता है। रात में सड़क से जब ये जा रहा होता है तो लोग बात कर रहे होते हैं कि मास्टर के सन को अगर कुछ हो गया तो ये बहुत ही बुरा होगा, जिसने ये किया होगा उसे बहुत ही तड़पाया जाएगा। मास्टर ने उसके सन को ढूंढ कर जो देगा इसके लिए बहुत सारा इनाम रखा हुआ होता है। सुबह हम देखते हैं कि जैंग जिनहो के पास आता है। उसे आकर कहता है कि मुझे एक आदमी को ढूंढना है। जब ये पैसे वगैरह डिस्कस कर लेते हैं तब जैंग उसे कहता है कि वो एक मर्डरर है। मर्डरर का नाम सुनकर जिनहो पीछे हट जाता है। वो पुलिस के कामों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता, उसकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है तो इसके लिए वो केस लेने वाला नहीं। जैंग कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। जैंग को उसने बाहर निकाल दिया होता है। जैंग उसे 5 वॉन देता है। वो कहता है कि मेरी सिर्फ बात सुनने के लिए ये है। जैंग फिर जिन्हों को एक जगह पर लेकर आता है। जैंग उसे एक डेड बॉडी दिखाता है। ये मास्टर की बेटी ही डेड बॉडी होती है। जिन्हो जब ये देखता है तो डर जाता है। कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैंने ये कभी देखा ही नहीं, ऐसा अब मैं प्रिटेंड करूंगा। मुझे पता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर ये केस जिन्हो को नहीं लेना होता। जैंग जिन्हो को कहता है कि मुझे बॉडी मिली थी, मैंने नहीं किया है, और इस काम के लिए उसे 500 वॉन देना चाहता है। जिन्हो को अमेरिका जाने के लिए जो टिकट लगने वाला है इसकी प्राइस ही 500 वॉन है। 500 वॉन सुनकर जिन्हो रुक जाता है। जिन्हो कहता है कि तुम्हारे पास बॉडी है, तुम जाकर डायरेक्टली देकर आ सकते हो। जैंग कहता है कि मैंने इसके लीवर वगैरह सब कुछ निकाल लिया है। हमने देखा था कि डॉक्टर ने जैंग को कहा था कि रियल ह्यूमंस पर इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो यही जैंग कर रहा था और इसी वजह से उसने लीवर वगैरह सब कुछ बॉडी से निकाल लिया था। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा है कि एक आदमी जंगल से बॉडी लेकर जा रहा था, ये जैंग ही था। घूमते फिरते इसने एक बॉडी देखी और इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ऐसा उसे लगा, इसलिए ये बॉडी ये घर पर लेकर आया। अब जिन हो पैसों के लिए ये केस लेने के लिए रेडी हो जाता है। जैंग फिर उसे जहाँ पर बॉडी मिली थी वहां लेकर आता है। ये जगह फॉरेस्ट में होती है और बॉडी वहां पड़ी हुई थी। जिन हो आसपास देखता है
तो कार्ड के निशान उसे दिखते हैं, जिन्हों को लगता है कि अगर इस कार्ड को उसने पहचान लिया तो किलर के पास वो पहुंच जाएगा। पर जैंग ने ही ये कार्ड लाया था। ये जैंग को फिर से मजाक कर पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुमने नहीं किया? इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मार्केट में आ जाते हैं। जैंग जिन्हों को कहता है, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि फॉरेस्ट के मिडल में जहाँ किसी को भी यह बॉडी मिल जाए, यहाँ बॉडी रखी गई थी? मर्डर ने कुछ भी एफर्ट नहीं लिए थे। जिन्हों कहता है कि इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, पहला कि वो बहुत ही इडियट है और दूसरा कि वो चाहता था कि ये बॉडी किसी न किसी को तो मिल जाए। जिन्हों जैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा पीछा कोई कर रहा है। इस आदमी को स्पॉट करता है और इसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। जिन्हों एक जगह पर टकरा जाता है और ये आदमी आगे चला जाता है। जैंग को लगता है कि यही किलर हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों एक लड़की के पास आता है। इस लड़की का नाम होता है सुन। ये हमारे और एक मेन कैरेक्टर है। एक फैक्ट्री जैसी जगह पर काम करती है, पर वहाँ वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती है। एक्चुअल में इसे साइंटिस्ट बनना होता है, इसीलिए हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती है। जिन्हों को उसने एक दूरबीन दी थी, पर अब वो टूट चुकी है, इसलिए जिन्हों उसके पास आता है। इसके बाद ये बात करते करते चलने लग जाते हैं। जिन्हों कहता है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी केस आई है, अगर उसने सॉल्व कर दी तो उसे अमेरिका जाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। सुन को भी ये सुनकर अच्छा लगता है कि तुम भी बहुत ही स्मार्ट हो, अगर तुम भी अमेरिका गई तो वहाँ बहुत सारी चीजें तुम सीख सकती हो। वो पूछती है, क्या तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? जिन्हों कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। सुन कहती है, मैं सब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करती हूँ, ये कर मैं ऑलरेडी बहुत सारी रिस्क ले रही हूँ। सुन टेलीस्कोप और इस तरह की अलग अलग चीजें बनाती है। 1900 का जो वक्त था, ये इतना प्रोग्रेसिव नहीं था। औरतें ये सब कर सके एक्सेप्टेड नहीं था, इसीलिए सुन कहती है कि मैं कर ऑलरेडी रिस्क ले रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों मास्टर के घर में आ जाता है, जहाँ पर मास्टर के सन को उठवाया गया था। तो एज अ पुलिस ऑफिसर वो ढोंग कर वहाँ आ जाता है, पूरे मर्डर सीन को देखता है। यहाँ पर उसे ड्रग्स मिलते हैं। ये सब छानबीन कर रहा होता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढ लेता है। इसके बाद उसे यंग के पास लेकर जाया जाता है। यंग उसे मारता है और कहता है कि अब ये केस खत्म हो चुका है, इसने जो रियल किलर है उसे पकड़ लिया है। यंग ने किसी को भी उठा लिया है और उसे वो कन्फेशन लेने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। जिन्हों कहता है कि अगर ये किलर है तो उसने बॉडी कहाँ रखी है? यंग ने सिर्फ सस्पेक्ट के नाम से उसे पकड़ लिया था। ये लॉजिक जब जिन्हों सुनता है तो इस पर वो हंसने लग जाता है। जिन्हों को फिर छोड़ दिया जाता है। वो डायरेक्टली जैंग के पास आता है। जिन्हों ने मर्डर सीन से जो ड्रग्स लाए थे वो जैंग को दे देता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये ड्रग्स है। जैंग अब इसका स्टडी करने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये ड्रग्स है। जहाँ पर ये ड्रग्स सेल किए जाते हैं वहाँ फिर जिन्हों और जैंग पहुंच जाते हैं। यहाँ अंदर सब नशेड़ी पड़े हुए होते हैं। यही से ही मास्टर के सन ने ड्रग्स लिए होंगे तो इसकी इंक्वायरी वो करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में इस जगह का बॉस आ जाता है और वो जैंग को पहचान लेता है। उसे पता है कि डॉक्टर के नीचे काम करता है और ये कभी भी ड्रग्स नहीं करता। अब ये गुंडा सब आदमियों को लेकर उसे मारने लग जाता है। जैंग और जिन्हों भी रेजिस्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों को मारते हैं। बॉस को पकड़ लेते हैं और उसे उल्टा लटका देते हैं। उसे पूछते हैं कि तुमने लास्ट बार कब मास्टर के सन को देखा था? पहले बोल नहीं रहा था, पर उसे बहुत डराते हैं तो बोलने लग जाता है। ये कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था कि वो ड्रग्स लेने के लिए आया था। उस दिन उसके घर के डायरेक्शन में वो नहीं गया, डोंगिनीनम नाम की एक जगह थी, यहाँ पर वो गया था। जब जिन्हों और जैंग यहाँ पहुंच जाते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक सर्कस थी। ये सर्कस अब जरा आगे चली गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में कमिश्नर के घर पर एक आदमी आता है। इस आदमी को कमिश्नर जानते हैं तो अंदर आने देते हैं, पर यह आदमी कमिश्नर का खून कर देता है। फिर से जंगल में जहाँ जैंग को मास्टर के सन की बॉडी मिली थी उसी जगह पर पुलिस को मिल जाती है। अब कमिश्नर की डेड बॉडी मिल चुकी है तो मास्टर और भी चिढ़ गए होते हैं। मास्टर यंग को धमकी देते हैं कि अगर उसने उसके सन को नहीं जल्दी से ढूंढ कर दिया तो उसे वो फायर कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यंग एक आदमी के पास आया हुआ है, इसका नाम होता है इक्वांग। यंग इक्वांग से पूछता है कि मैंने तुम्हें ही इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराया था, यानी कि कमिश्नर और मास्टर का बेटा, और अब ये दोनों डेड है। इक्वांग पर ये शक ले रहा होता है। इक्वांग कहता है कि दोनों बड़े आदमी थे, इनके बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं। हमने मूवी में देखा है कि जिसको कमिश्नर ने मारा था यही इक्वान है। अब पुलिस को कमिश्नर की बॉडी मिल चुकी है तो उसकी ऑटोप्सी करने के लिए डॉक्टर को बुलवाया जाता है, पर डॉक्टर जैंग को ही लेकर आता है। जब जैंग ऑटोप्सी कर रहा होता है तो कमिश्नर के मुंह में एक कपड़ा होता है जिसको छुपा कर अपने पॉकेट में रख लेता है। यह इस ऑटोप्सी में फिगर आउट करता है कि जिस नाइफ में दोनों तरफ से धार होती है इसी नाइफ से मर्डर किया गया था। ये रात में जाकर जिन्हों को ये सब बातें बता देता है। जिन्हों भी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था तो उसे नाइफ के बारे में पता चल गया था।
कमिश्नर के मुंह में जो कपड़ा था, एक नया सुराग उन्हें मिल चुका है, तो इसके पीछे अब वो लग जाते हैं। ये कपड़ा आया कहाँ से है ये पता नहीं कर पाते। सुन इंटेलिजेंट है तो सुन के पास जिन्हों ये कपड़ा लेकर आता है, उसके पर थोड़े एक्सपेरिमेंट करती है। फिर उसे पता चलता है कि इस कपड़े पर फ्लावर बना हुआ था। इसे फ्लावर के कपड़े सर्कस में ही लोग पहनते हैं। कमिश्नर का बेटा मर्डर होने से पहले सर्कस में ही गया था, तो अब ये दो एविडेंस इन्हें मिल चुकी है, तो सर्कस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसे परस्यू करने के लिए वो निकल जाते हैं। जाकर वो सर्कस देखने लग जाते हैं तो वहाँ इक्वांग होता है। इक्वांग डबल एज नाइफ से एक शो दिखाता है, जिसमें वो एक आदमी को बोर्ड से बांधता है और उस पर ये चाकू चलाता है। इक्वांग कहता है कि ऑडियंस में से अगर कोई आ जाए तो सचमुच में ये गेम खेलते हुए डरेगा, तो ये बहुत ही मजा आएगा। जिन्हो जल्दी से उठ जाता है और इसके लिए रेडी हो जाता है। इक्वांग थोड़ी देर तक आंखों में पट्टी बांध लेता है, उसके बाद चाकू चलाने लग जाता है। ये देखकर जिन्हो बहुत ही डरा हुआ होता है, पर सक्सेसफुल ये गेम कंप्लीट हो जाता है। जब जिन्हो ने इस गेम के लिए वॉलंटियर किया था, तो उसी वक्त उसने नाइफ वहां से चुरा ली थी। ये नाइफ वो चेक करते हैं और कंफर्म हो जाता है कि इसी नाइफ से मर्डर हुआ था। जिन्हो अभी भी कह नहीं सकता कि इक्वांग ने मर्डर किया है, क्योंकि सर्कस में इन नाइफ्स को कोई भी पा सकता है और किसी ने भी मर्डर किया हो सकता है। इसके बाद हम सर्कस देखते हैं। इक्वांग ने एक लड़कियों को पकड़ कर लटकाया हुआ होता है। ये लड़की यहाँ से भाग रही थी, इसी वजह से उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पाई किया है, मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। इस लड़की की एक छोटी बहन भी थी, उसे पकड़ कर ले आए हैं। ये इस छोटी लड़की को छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर वालों के यहाँ जिन्हों को बुलाया गया है। सर्कस में एक बड़ा इवेंट चल रहा है, जहाँ गवर्नर, पुलिस ऑफिसर ये सब आने वाले है। यहाँ किसी को भी अलाउड नहीं है, तो जिन्हो को वो कहता है कि वहाँ जाकर चुपके से तुम कुछ इमेजेस लेकर आओ। यहाँ क्या चलता है ये किसी को भी पता नहीं है, इन्हें हम कुछ एक्सपोज कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर वाला कहता है कि काम डेंजरस हो सकता है। जिन्हो प्रिटेंड करता है कि उसे भी ये डेंजरस लग रहा है, पर एक्चुअल में उसे भी जाना होता है, क्योंकि अब वो केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सर्कस के बारे में और भी कुछ जानना चाहता है। सर्कस के यहाँ जाकर सर्कस वालों से कहते हैं कि तुम्हें फ्री की पब्लिसिटी मिल जाएगी, इसलिए वो सर्कस वाले भी इन्हें फोटो लेने के लिए हेल्प कर देते हैं। जिन्हो अलग अलग ट्रेन में घुसता है और वहाँ नाइफ्स खोजने लग जाता है। यहाँ उसे किलर कौन है इसका कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिल सकता है, पर इसे एक आदमी ढूंढ लेता है और बाहर निकाल देता है। ये यहाँ से जा रहा होता है, पर दोनों छोटी लड़कियाँ इसे रोक लेती है, कहती है कि प्लीज हमारा भी फोटो ले लो। जिन्हो पहले मना करता है, पर ये बहुत ही स्वीटली उससे रिक्वेस्ट करती है, तो जिन्हो भी मान जाता है। जिन्हो सुन को उसकी केस के बारे में सब कुछ चीजें बताता है, तो सुन को सब कुछ मालूम है, तो वो भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करती है। सुन पता करती है कि जो इक्वांग है ये अलग अलग बिहेव करता है, एक बार वो कुछ करेगा तो दूसरे बार कुछ अलग ही चीजें करता है। पुलिस पर यानी कि यंग पर अब प्रेशर बढ़ने लग चुका है, तो एक आदमी को जो बहुत ही गरीब होता है कन्फेशन करने के लिए मना लेता है। ये एक फेक बॉडी भी रखवा आते है। ये आदमी सिर्फ पैसों के लिए एडमिट करता है कि उसने मास्टर के सन को मारा है। जब इस मर्डर को देखने के लिए जिन्हो और जैंग जाते हैं, तो जैंग कहता है कि मैं तो इसे पहचानता हूँ, ये वही आदमी था जिस पर ऑपरेशन हुआ था। ये बहुत ही गरीब है, इसी वजह से इसने कन्फेशन किया होगा, ये वो जिन्हो को बताता है। जिन्हो अब यंग के पास जाता है, उसे कहता है कि मुझे मालूम है कि ये रियल किलर नहीं है, मैं सब जाकर ये मास्टर को बता सकता हूँ। यंग कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो। यंग पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिन्हो कहता है कि मुझे सिर्फ 3 दिन दो, 3 दिन में सही मर्डर में ढूंढ निकालूंगा, तब तक इस आदमी को कुछ भी होना नहीं चाहिए। अब रात में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिन्हो सर्कस के आसपास घूम रहा होता है, तभी इक्वांग उसे ढूंढ लेता है। इस पर वो चाकू लगाता है, कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे थे। ये जिन्हो को धमकी देता है कि अगर वो आसपास फिर से दिखा तो उसे मार डालेगा। जिन्हो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम ही मर्डरर हो। इक्वांग ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है ऐसा वो प्रिटेंड करता है। अब इन दोनों में फाइट हो जाती है, पर इक्वांग का ट्विन ब्रदर वहां जाता है। ये दोनों मिलकर जिन्हो को बांध देते हैं। इसके बाद ये सर्कस का शो करते हैं। इक्वांग का जुड़वा ब्रदर अब जिन्हो से मिलने के लिए आता है। जिन्हो कहता है कि तुमने ही मर्डर किए हैं। ये जुड़वा ब्रदर कहता है कि तुम पुलिस नहीं हो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिन्हो अभी भी बंधा हुआ है और उसी वक्त सर्कस का शो चल रहा होता है। हमने जो दो लड़कियां देखी थी वो सर्कस में काम करती है और शो करते वक्त ऊपर से वो छलांग लगा देती है, ये बहुत ही इंजर्ड हो जाती है। जैंग भी जिन्हो को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ ही चुका होता है और जिन्हो को छुड़वा लेता है। ये यहाँ से जा रहे होते हैं, पर लड़की इंजोर है तो जैंग इसे देखने लग जाता है। इक्वांग भी इस लड़की के पास आया हुआ होता है, उसे बहुत ही बुरा लगता है। यह अपने ब्रदर पर गुस्सा हो जाता है, उसे मारने लग जाता है। अपने ब्रदर को कहता है कि तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। जिन्हो टेंट के अंदर होता है और ये दोनों ब्रदर बाहर झगड़ रहे होते हैं। जिन्हो को आवाज आती है और वो बाहर आता है,
पर वहाँ उसे एक ब्रदर की डेड बॉडी मिलती है। अभी डेड बॉडी किस ब्रदर की है ये किसी को भी पता नहीं है। यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। यंग इक्वांग का फ्रेंड ही है तो यंग कहता है किसी ना किसी तरीके से मैं जल्दी से ये केस निपटा लूंगा, कोई भी वरी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जिन्हो के पास यंग आता है और कहता है कि क्या तुम्हें रियल किलर मिला है। जिन्हो यंग को कुछ भी नहीं बताता। जिन्हो को पता है कि जो ब्रदर जिंदा है यही किलर है, पर वो बताने नहीं वाला। जो छोटी लड़की ऊपर से गिरी थी इसको जैंग हेल्प कर सकता है। ये जल्दी से उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है। वो डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए बोलता है पर डॉक्टर मान नहीं रहा होता। जैंग डॉक्टर पर बहुत ही चिढ़ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे। डॉक्टर भी चिढ़ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैंग अब खुद ही ऑपरेशन कर डालता है। रात में जिन्हो सुन से मिलने के लिए आता है। जिन्हो अब जरा परेशानी में है। सुन ये पहचान जाती है। सुन कहती है तुम्हें जो भी लगता है जो तुम्हें करना चाहिए ये तुम कर डालो। वो कहती है कि जब तुम पुलिस में थे तुम जिस तरह से फियरलेस थे उसी तरीके से फिर से तुम ये काम करो। यहाँ इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि एक दूसरे से पहले प्यार करते थे पर अब इनमें ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्हो यंग के पास जाता है और इसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। जिन्हो फिर सर्कस में पहुंचता है। आसपास कहीं भी इक्वांग नहीं होता पर उसका एक आदमी जो उस पर वो ट्रस्ट करता है वो वहां होता है। जिन्हो फिर उसे बहुत मारता है और इक्वांग का पता निकालता है। न्यूज़पेपर वाले ने जिन्हो को कहा था कि कमिश्नर बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये सब इक्वांग के पास जाते हैं। ये क्यों जाते हैं इसका रीजन अब उसे पता चल जाता है। इन सब लोगों का क्लब था जिसमें कमिश्नर, गवर्नर, मास्टर का बेटा ये सब शामिल थे। इक्वांग इन सब लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था। ये सब मिलकर इन लड़कियों का शोषण करते थे। सर्कस में काम करने वाली लड़कियां हमने देखी है कि वो भागने की कोशिश कर रही थी। यही रीजन था कि वो भागना चाहती थी। इक्वांग के आदमी से जिन्हो पता निकाल लेता है इक्वांग अब कहाँ होगा। वो इस बार गवर्नर के पास आया हुआ है। एक्चुअल में इक्वांग और उसका जो ब्रदर है इनमें से एक लड़कियां सप्लाई करता था। दूसरे ब्रदर को जब पता चल गया कि उसका ही ब्रदर लड़कियां सप्लाई करता था तो वो बहुत ही चिढ़ गया। गुस्से में आकर रिवेंज लेने के लिए सबको मारने लग गया। जब एक दूसरे को इन्होंने कन्फ्रंट किया तो एक ब्रदर मर गया। जो मर गया वो लड़कियां सप्लाई करने वाला था, पर अभी भी जो मर्डर कर रहा है वो जिंदा है। इस बार वो गवर्नर को मारने के लिए गया है। जिन्हो ये सब यंग को बता देता है और यंग अब उस जगह पर पहुंच जाता है। कमिश्नर को मारने से पहले ही इक्वांग को रोक लेता है। इक्वांग को अरेस्ट करना चाहता है पर इक्वांग यंग को मार डालता है। यहाँ पर गन लेकर जिन्हो भी पहुंच जाता है। इक्वांग जल्दी से छुप जाता है और सब लाइट्स बंद कर देता है। अब इन दोनों में बहुत फाइट होती है। फाइट में ही एक दीवार से जिन्हो टकरा जाता है। इस दीवार से उसे बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं, यानी कि लड़कियों के साथ साथ ड्रग्स भी सप्लाई किए जाते थे। यही ड्रग्स लेने के लिए मास्टर का बेटा सर्कस में आया था। लास्ट में जिन्हो गोली चलाकर इक्वांग को मार डालता है। केस अब सॉल्व हो चुका है तो जिन्हो को इस केस के लिए पैसे मिल जाते हैं। वो अमेरिका जाना चाहता था पर सुन को अमेरिका भेज देता है। सुन एक साइंटिस्ट है और वो अमेरिका जाकर अच्छे अच्छे आविष्कार कोरिया में ला सकती है, इसलिए वो वहां उसे भेज देता है। सुन उसे कह रही होती है कि वो भी उसके साथ चल सकता है, पर जिन्हो कहता है कि मैं अब उन दोनों लड़कियों का ख्याल रखने वाला हूँ। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं जिन्हो और जैंग के पास कुछ आदमी आते हैं। इन दोनों को एक बड़े से आदमी के पास वो लेकर आते हैं। ये आदमी उनसे कहता है कि मेरा एक लेटर गुम हो गया है, ये नीदरलैंड में है। जिन्हो और जैंग एक अच्छी टीम बनाते हैं तो इन दोनों को ये लेटर ढूंढने का काम वो दे देता है। जब ये आदमी चला जाता है तो जिन्हो को पता लग जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं था तो ये हमारे किंग ही थे। जिन्हो और जैंग दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले हैं। अब ये दोनों एज अ टीम एक केस सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।